हाय कैंसर, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आई निग्मा हिंदी चैनल। मैं हूँ निग्मा। आज हम लोग आप लोगों के लिए करेंगे अक्टूबर रेस्ट ऑफ द मंथ, जो भी बच गया है अक्टूबर उसमें क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, देखते हैं। सन मून राइजिंग वीनस, अगर आप कैंसर में आपकी रीडिंग होगी, क्रॉस वॉचर्स भी इसको देख सकते हैं। मेन चैनल आई निग्मा, वहाँ भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर सको। मेरे साथ बने रहो, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा ताकि हम इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, प्रेयर्स भी मैं करती हूँ, स्पेल्स जो कि वाइट है, 100% स्पिरिचुअल प्रेयर्स हैं, गॉड को करते हैं हम। एंड आफ्टर देन क्रिस्टल्स आप मुझसे खरीद सकते हैं, जो कि 100% प्योर प्रीमियम क्वालिटी के क्रिस्टल, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। प्लस वो प्रेयर्ड क्रिस्टल्स हैं जिनमें मैं अपनी एनर्जी से आपके इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए प्रेयर्स करती हूँ, प्रेयर्स डालती हूँ क्रिस्टल्स के अंदर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप दे सकते हैं मुझसे। नाउ लेट्स सी द मैसेजेस फॉर यू। कैंसर, द स्टार, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। मुझे लग रहा है कि मनी में थोड़ा सा डिप आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इनिशियली आप बहुत अच्छा कर रहे थे और कोई बीच में आ गया, आप दोनों आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में कोई आ गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। या फिर अपने करियर में आप काफ़ी ग्रोथ हाई लेवल पे थे, काफ़ी सक्सेस थी, काफ़ी पैसा था, बट कुछ हुआ, कोई पर्सन आया, उसने आपकी पोजीशन लेने की कोशिश की, उसने आपको गुमराह कंफ्यूज किया और आप वहाँ से डिप मार गए, नीचे चले गए, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको दोबारा से अपने आप को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। तो कुछ हुआ है, बहुत ही अच्छी पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आ गए हो, या मन ख़त्म हो गया है उस चीज़ से, डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, काफ़ी मतलब फाइनेंसिस में भी थोड़ा डिप आया है, या फिर मन नहीं करता उतना काम करने का, कुछ चेंज चाहिए आपको, ठीक है। ब्रेक लेना चाह रहे हो, बाहर घूमना चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होंगे। बहुत अब ना पक गए हो बहुत चीज़ों से, काम को लेकर तो आप पक गए हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में एक स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, एरी, सैजिटेरियस, लियो या क्वेरियस आने वाले हैं, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में एक नए पर्सन आ रहे हैं जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सोचते हो कि यार ये पर्सन मेरे को क्यों चुनेंगे, ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऐसा माइंडसेट आपका रह सकता है कि आप इनको अपने से ज़्यादा देखते हो, आपको लगता है कि आपको क्यों पसंद करेंगे। आपको ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कि ये पर्सन आपको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, आपको एक दिन चीट करेंगे, ये शायद प्लेयर हैं, ये ऑनेस्ट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, बट अल्टीमेटली जब आपको पता लगेगा कि ये पर्सन आपके साथ अभी तक हैं और आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहे हैं मैरिज के लिए। इनिशियली अट्रैक्शन है, फीलिंग्स धीरे धीरे करके डिवेलप हो रही हैं, तो इस कनेक्शन को 4 महीने का टाइम दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का ये कनेक्शन 100% डिवेलप करेगा। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे क्या है कि आप अपने आप को ना एक जगह फोकस नहीं कर रहे हो कैंसर, आप इधर उधर देख रहे हो। ये पर्सन होने के बावजूद भी आप दूसरों से बातें कर रहे हो या फिर आप दूसरों को चांस दे रहे हो, और इस वजह से आप इनको भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पे फोकस करें, या फिर ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है कि ये पर्सन और भी किसी से बात कर रहे थे आपसे मिलने से पहले, तो उनके साथ अभी भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कंफ्यूजन रह सकती काफ़ी देर तक के बाद में देख लेंगे, यू नो लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहने वाले हो। आप इस एनर्जी में रहने वाले हो कि नहीं, ये तो मुझे छोड़ देंगे, ये तो मेरे को पसंद नहीं करते, इनकी लाइफ में तो कोई और है, ये सारे ख्याल आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। कैंसर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए कि आप अपना जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप करें, इन पर्सन को अलाउ करें आपको जानने की। हो सकता है कि इनको ऐसी फीलिंग आने लगे कि आप इन्हें पसंद नहीं करते, बट द ट्रूथ इज, सच ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत पसंद करते होंगे, बट आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स बन जाएंगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टेड है ये आपसे, काफ़ी लाइक करते हैं आपको, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, या बहुत ही अपने आप से नाराज, या फिर अपने में कॉन्फिडेंस ना होना, ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है बहुत ज्यादा, ठीक है। एम्परर, कुछ लोगों के केस में आई थिंक कि आप इसीलिए नाराज हो, उदास हो, क्योंकि आप किसी के साथ
किसी में अभी भी इंटरेस्टेड हो, ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं जो कि मैरिड हो सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई और है, ये पर्सन आपको लटका के रख रहे हैं या आपके साथ वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये पर्सन जो है ये आपको भी मना रहे हैं और दूसरे पर्सन को भी मना रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कभी कभी गायब हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन की वजह से आप काफ़ी लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो और काफ़ी ऐसे आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है या मेरे कोई मिल नहीं सकता, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं क्योंकि आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ थे या फिर उनमें अभी भी इंटरेस्टेड हो जो आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ डबल गेम्स खेल रहे हैं। हाँ, ये कोई पास्ट पर्सन है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, तो उनसे बाहर निकलने में आपको शायद दिक्कत आ रही है एंड यस, आपको उनके लिए अभी भी फीलिंग्स है, आपको लगता है ये पर्सन मुड़ के वापस आएंगे आपके लिए, बट ये ऐसा नहीं है, ये पर्सन सिर्फ आएंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए और कुछ नहीं, ये पर्सन सेल्फिश है, आपको डिसीजन लेना है आगे बढ़ने का और जो पर्सन आपको पसंद करते हैं वो पर्सन आपका अटेंशन चाह रहे हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि आप एक नए कनेक्शन में बंधिए, एक नए कनेक्शन में एक नए पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कैंसर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताओ और कैसी लगी आपको ये रीडिंग और किस तरह की रीडिंग्स आपको चाहिए। आई विल सी यू बैक अगेन, बाय।